Hello everyone, welcome back to my channel. Today is first day of our traveling और आज हम cover करने वाले हैं ghost town, ग्वालियर म्यूजियम और हम जाएंगे कालगुली, वहाँ पे सुपर पिट देखेंगे जो कि एक्टिव माइन है. सो चलिए मेरे साथ और मैं आप लोगों को ले चलती हूँ गोल्ड माइन. ये रहा ग्वालियर घोस्ट टाउन, बट ऑब्वियसली यहाँ पे घोस्ट नहीं रहते हैं. यहाँ पर गोल्ड माइनर्स रहा करते थे, बट जब 1963 में माइन बंद हो गया तो ये लोग वहाँ मूव हो गए जहाँ पे एक्टिव गोल्ड माइन्स थे, और ये तब से इस टाउन को घोस्ट टाउन कंसिडर किया जाता है. मैं कुछ फ़ोटोज़ ऐड करने वाली हूँ इस वीडियो के साथ, जैसे कि ये सामने है स्टेट होटल, उस टाइम पे ये होटल एक्टिव था ऑब्वियसली. ये कुछ हाउस है जो ऑब्वियसली बंद है और कोई आता जाता नहीं है. कुछ फ़ोटोज़ ऐड हैं बिकॉज मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं उतरूं और वीडियोस लूं, तो मैंने सिर्फ पिक्चर्स क्लिक किए हैं. अब हम म्यूजियम पहुंच चुके हैं जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. लेट्स सी, कम विद मी. और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड कमेंट्स बिलो. म्यूज़ियम जाते ही हमें जो सबसे पहले पिक्चर दिखी वो थी घोस्ट टाउन की. जब घोस्ट टाउन में लोग रहा करते थे तो वो टाउन ऐसा था. फाइनली हम एंटर करने जा रहे हैं ग्वालियर म्यूजियम में. Wow, look at this. Interesting. आगे चलकर देखते हैं कि और क्या क्या है. और मैं यहाँ पर पागलपना करते हुए यू. हमें यहाँ पर कुछ एंटीक चीज़ें और कुछ एंटीक कार्स दिखी, जैसे कि ये हर्स कार जो कि यूज़ होती थी डेड बॉडीज ले जाने के लिए. ये रहा डेंटिस्ट चेयर, और ये जो ग्रीन कलर की कार आपको दिख रही है वो ज़्यादातर यूज़ होती थी ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक फूड लेके जाया जा सके, अनाज लेकर जाया जा सके. और ये है ट्रैम, इसे देखकर तो मुझे कोलकाता याद आ गया बिकॉज जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कोलकाता से हूँ, और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था. यहाँ पर कुछ जिन्होंने ये टाउन बसाया था उनके फ़ोटोज़ हैं, और इनका घर भी है जिसे मैं अभी दिखाने वाली हूँ इसके बाद. यहाँ पर मुझे पियानो मिला और मैं ट्राई कर रही हूँ ये इमेजिन करने के लिए कि वो लोग कैसे बजाते थे. रिंग रिंग. यहाँ हमें मिला एक और डोर जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं, और हमें दिखी
बहुत पुरानी ट्रेन. इंटरेस्टिंग. चले हम इसकी सवारी करते हैं थोड़ी. ओके, यहाँ पे गोल्ड माइन है. पहले हम ट्रेन की सवारी करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे. इस ट्रेन को देखकर मुझे DDLJ का वो सीन करने का बहुत मन हो रहा है, तो मैं यहाँ. कमेंट बिलो कैसा लगा आपको. और अब मुझे उतरना चाहिए आई बिलीव, तो मैं चली गोल्ड माइन की तरफ. बाय बाय ट्रेन. सो गाइस, ये वही माइन है जिसके माइनर्स वहाँ रहा करते थे, जिसे अब घोस्ट टाउन कंसिडर किया जाता है, और वो लोग मूव हो चुके हैं एक्टिव माइन की तरफ. मुझे कुछ दिखा जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. ये देखिए, ये मुझे गोल्ड और कॉपर मिक्स लग रहा है इसमें. मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके वीडियो को शॉर्ट करके आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा सकूँ जिसको मैंने Day 1 पे कवर किया है. ये ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट स्टीम विंडर है. और ये है उस स्टीम विंडर का हेड फ्रेम. अब हम जा रहे हैं हूवर्स हाउस के अंदर. ये हूवर्स हाउस बहुत ही पुराना है, बट वेल मेंटेन्ड है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से
और यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी है। जब हम हाउस के इस पार्ट में पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े भी है जहाँ आप कुछ भी लाइक कॉफ़ी, सैंडविच, कुछ भी लाइट्स ऑर्डर करके यहाँ पर बैठकर हूवर्स हाउस का मज़ा लेते हुए वो एंजॉय कर सकते। हमें छोटी सी लाइब्रेरी भी मिली हूवर्स हाउस के एक पार्ट में, जो कि बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी लाइब्रेरी थी। हूवर्स हाउस देखने के बाद अब हम जा रहे हैं म्यूजियम के बाहर, बिकॉज हमें कवर करना है सुपर पिट, जो कि एक्टिव गोल्ड माइंस है कालगुरली का। तो चलिए मेरे साथ वहां जहां है एक्टिव गोल्ड माइन गाइस। यहाँ पर डस्ट थोड़े ज़्यादा है बिकॉज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ड्राई स्टेट है। और फाइनली हम पहुँच गए सुपर पिट, कम ऑन लेट्स सी। As you can see that he is so excited for this. Let's see how's it look like. ये है लुकआउट पॉइंट सुपर पिट का, और अभी आगे भी बहुत कुछ है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। सो प्लीज वॉच टिल एंड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई थी गोल्ड माइंस की, और जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो थी ये पिक्चर जो कि पिंक ब्लास्ट की थी। इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन यहाँ पर पिंक ब्लास्ट हुआ था माइन में, ये बताने के लिए कि वी रिस्पेक्ट वुमेन एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेंस डे। अब हम जा रहे हैं दूसरी माइन की तरफ जो कि एक्टिव है, और प्रॉपर दिखेगा कि वो एक्टिव है बिकॉज बहुत सारा काम वहाँ अभी भी चल रहा है, और आई होप आप इंजॉय करेंगे। अब आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, काफी सारे ट्रक्स हैं यहाँ पर,
जिसकी वजह से ये समझ में आ रहा है कि यस इट इज एक्टिव माइंड। हमारी हो चुकी है हालत ख़राब, सो वी आर गोइंग बैक टू होटल टू टेक सम रेस्ट। शाम भी हो चुकी है और हमारा डे वन यहीं कंप्लीट होता है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आप लोगों के साथ जल्द ही डे टू की ट्रैवलिंग की वीडियो भी शेयर करूँगी। टिल देन कीप शाइनिंग, टाटा।